दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड में एक सप्ताह और बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन, मंत्रियों ने दी इस पर सहमति। दोस्तों झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को अपने मंत्रियों के साथ मंत्रणा की। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए सभी मंत्रियों की राय ली। उन्होंने कहा कि हम संक्रमण को काबू कर पाने में सक्षम हो रहे हैं, राज्य में पॉजिटिव मरीजों की संख्या में कमी आई है, यह एक सुखद अनुभव है। इस दौरान लगभग आधे मंत्री ने राज्य में लागू लॉकडाउन को सख्ती के साथ आगे भी जारी रखने की सलाह दी है। दोस्तों प्रवासी मजदूरों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रवासी मजदूरों के मामले में संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकारा। दोस्तों लॉकडाउन की वजह से प्रवासी मजदूरों को हो रही समस्याओं पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सोमवार को हुई सुनवाई में हलफनामा दाखिल करने में हुई देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि आपको सुनवाई से एक दिन पहले हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन आपने इसे अभी किया है। इसके अलावा प्रवासी मजदूरों के रजिस्ट्रेशन की धीमी प्रक्रिया को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। यास तूफान के कारण झारखंड में आज से तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की चेतावनी। दोस्तों मौसम केंद्र ने चेतावनी जारी की है कि झारखंड के 30 से 60 फीसदी जगहों पर वज्रपात और भारी बारिश हो सकती है। बंगाल की खाड़ी में यास चक्रवात का असर आज से दिखने लगेगा। 28 मई तक झारखंड की राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में तेज बारिश, आंधी और वज्रपात हो सकता है। मई में अब तक 38 डिग्री तक अधिकतम तापमान पहुंचा है, लेकिन 25 मई को अधिकतम तापमान 32 और 26 व 27 मई को 25 डिग्री तक गिर जाएगा, यानी अधिकतम तापमान में 13 डिग्री तक की गिरावट दर्ज हो सकती है। आपको बता दें कि झारखंड के दक्षिण पूर्व, उत्तर और मध्य हिस्से में कुछ जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। ईंट भट्टे पर काम करने को मजबूर फुटबॉलर संगीता सोरेन को अब मिला 1 लाख की इनाम के साथ कोच बनने का मौका। दोस्तों जूनियर फुटबॉल में राज्य, देश और विदेश में अपने कदमों का कमाल दिखा चुकी धनबाद के मासमुड़ी की रहने वाली संगीता सोरेन को कोच बनाया जाएगा। एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी की इस बदहाली की जानकारी जब झारखंड सरकार तक पहुंची तो उसने इसकी सुध ली। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संगीता को सरकारी मदद और नौकरी का आश्वासन दिया। वहीं मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने इस अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर को 1 लाख रुपए की सहायता खिलाड़ी कल्याण कोष से देगी। इसके अलावा सूबे के खेल विभाग की तरफ से धनबाद में फुटबॉल का एक डे बोर्डिंग भी खोला जाएगा और यहाँ संगीता को कोच बनाया जाएगा। चक्रवाती तूफान यास को लेकर झारखंड में तैनात होंगी एनडीआरएफ की 5 टीम। दोस्तों ताउते तूफान के बाद अब एक अन्य चक्रवात यास भारत से टकराने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार यास 26 मई को पश्चिम बंगाल समुद्री तट से टकराएगा। इस तूफान का असर झारखंड में भी देखने को मिलेगा। इसके साथ ही झारखंड में 25 से 28 मई तक मूसलाधार बारिश के आसार बने हुए हैं। मौसम विभाग ने 25 से 28 मई के बीच पूरे झारखंड में आंधी के साथ मूसलाधार बारिश और वज्रपात की चेतावनी दी है। वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग ने यास तूफान को लेकर भी झारखंड में अलर्ट जारी किया है। इसी क्रम में एनडीआरएफ की 9 बटालियन को अलर्ट मोड पर रखा गया है। किसी भी आपदा से निपटने के लिए टीम को पूरी तरह से तैयार कर दिया गया है। झारखंड की राजधानी रांची में बिजली विभाग के कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द। दोस्तों झारखंड में यास तूफान के दस्तक को देखते हुए बिजली विभाग की ओर से अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक की सभी की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। सभी को निर्देश दिया गया है कि यास तूफान के गुजर जाने तक सभी अपने अपने इलाके में बने रहेंगे। खासकर शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक के महत्वपूर्ण समय में सभी अपने अपने जगह पर मौजूद रहेंगे। विभाग की तरफ से सभी अभियंताओं को हिदायत दी गई है कि अगर तूफान के कारण किसी भी प्रकार का ब्रेकडाउन होता है तो तत्काल उसका निदान करना होगा। किसी भी सूरत में बिजली सेवा प्रभावित नहीं होने देने का निर्देश दिया गया है। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा 27 मई के बाद भी कोरोना से बचाव के लिए जरूरी बंदिशें रहेंगी लागू।
दोस्तों झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और राज्य के वित्त था तथा खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कोरोना संक्रमण का चेन तोड़ने के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत राज्य भर में लागू पाबंदियों के सकारात्मक परिणाम पर संतोष जताया है। वहीं पार्टी की ओर से राज्य सरकार से यह मांग की है कि अभी 27 मई के बाद भी सप्ताह 10 दिनों तक इन पाबंदियों को कुछ शर्तों के साथ लागू रखने की जरूरत है। डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा बुलाई गई कैबिनेट मंत्रियों की वर्चुअल बैठक में पार्टी की ओर से कई अन्य सुझाव भी रखे। अब बिना स्लॉट बुक किए ही वैक्सीन लगवा सकेंगे 18 से 44 साल के लोग। दोस्तों वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट में आ रही समस्या को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि 18 से 44 आयु वर्ग के लोग अब बिना अपॉइंटमेंट किसी भी सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर पर रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसकी शुरुआत 24 मई से हो गई है। मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सूचित कर दिया है। अलग अलग राज्यों के निर्णय के बाद ही वहां ऑन साइट रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट मिल पाएगा, यानी आखिरी फैसला राज्य सरकार के हाथों में है। दोस्तों ब्लैक फंगस को लेकर एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ब्लैक फंगस होने की मुख्य वजह है इम्यूनिटी की कमी। देश में कोरोना और टीकाकरण की स्थिति को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा, ब्लैक फंगस संक्रामक बीमारी नहीं है, इम्यूनिटी की कमी ही ब्लैक फंगस का कारण है। ये साइनस, राइनो ऑर्बिटल और ब्रेन में असर करता है। ये छोटी आंत में भी देखा गया है। अलग अलग रंगों से इसे पहचान देना गलत है। उन्होंने कहा, एक ही फंगस को अलग अलग रंगों के नाम से अलग पहचान देने का कोई अर्थ नहीं है। यह संक्रमण यानी छुआछूत कोरोना की तरह नहीं फैलता है। उन्होंने कहा कि साफ सफाई का ध्यान रखें, उबला पानी पिए, नाक के अंदर दर्द, परेशानी, गले में दर्द, चेहरे पर संवेदना कम हो जाना, पेट में दर्द होना इसके लक्षण हैं। रंग के बजाय लक्षणों पर ध्यान दें। इलाज ज्यादा हो, जी हाँ, इलाज जल्दी हो तो फायदा और बचाव जल्दी व निश्चित होता है। यास से निपटने के लिए मंत्री बन्ना गुप्ता ने दिए प्रधान सचिव को निर्देश। झारखंड के आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता जी ने यास साइक्लोन के मद्देनजर आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव को पत्र के माध्यम से निर्देश दिया है कि पूर्वी सिंहभूम समेत पूरे राज्य में इसको लेकर विशेष सतर्कता बरतें। मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि 26 से 28 मई के दौरान राज्य में साइक्लोन का विशेष प्रभाव रहने का अनुमान लगाया गया है, जिसको लेकर विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। इस दौरान उन्होंने विद्युत आपूर्ति, पेयजल आपूर्ति समेत अन्य चीजों की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है ताकि जान माल की रक्षा हो सके। झारखंड में वेब पोर्टल मोबाइल ऐप बना संक्रमितों का मददगार। झारखंड में जब कोरोना संक्रमितों के लिए अस्पतालों में बेडों की कमी और उसके बाद जब लोगों की परेशानी बढ़ी, तब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने इसके लिए तकनीकी का सहारा लिया और पोर्टल और ऐप बनाकर लोगों की मदद प्रारंभ की। अब यह पोर्टल संक्रमितों और उनके परिजनों के लिए मददगार बन गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 7 मई को अमृत वाहिनी वेब पोर्टल और ऐप लॉन्च किया था। इस पोर्टल और ऐप से कोविड के मरीजों को राज्य के विभिन्न अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड की जानकारी और बुकिंग कराने की सुविधा दी गई है। ऐसे में सरकार की इस नई पहल से मरीजों एवं उनके परिजनों को काफी राहत मिली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में नियंत्रण के बाद आयोजित की जाए 12वीं की परीक्षा। दोस्तों झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने आवासीय कार्यालय से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के CBSE 12वीं बोर्ड की परीक्षा, प्रोफेशनल कोर्सेज एवं एंड एंट्रेंस परीक्षाओं के आयोजन को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में रविवार को सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि CBSE 12वीं बोर्ड की परीक्षा, प्रोफेशनल कोर्सेज एवं अन्य एंट्रेंस परीक्षाओं के आयोजन को लेकर राज्यवासियों से मैंने भी सुझाव मांगे हैं। ट्विटर तथा सोशल मीडिया
के अन्य माध्यमों से अधिकांश लोगों का कहना है कि परीक्षा फिलहाल स्थगित होनी चाहिए, क्योंकि कई बच्चे संक्रमित हुए हैं और वे अभी स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान हालात में अगर परीक्षा आयोजित होती है तो संक्रमण के फैलाव की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 2000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर देगा बीसीसीआई। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई ने सोमवार को कहा कि वह देश के विभिन्न चिकित्सा संगठनों के बीच 10 लीटर के 2000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर वितरित करेगा और इस तरह कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ चल रही लड़ाई में देश के चिकित्सा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मदद मिलेगी। महामारी की दूसरी लहर ने भारत में गंभीर स्वास्थ्य संकट पैदा कर दिया है और रोजाना हजारों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। पिछले महीने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को ऑक्सीजन संकट का सबसे अधिक सामना करना पड़ा था, जिससे अस्पतालों में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। दोस्तों, पड़ोसी राज्य बिहार से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ 1 जून तक बढ़ा दिया गया है लॉकडाउन। दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर कम होने के बीच बिहार सरकार ने राज्य में 1 जून तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दी है। इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात के लगातार संकेत भी दे रहे थे। उन्होंने सोमवार को ट्वीट कर लॉकडाउन बढ़ाने की जानकारी दी। मुख्यमंत्री नीतीश ने ट्वीट कर बताया है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए 5 मई से 3 सप्ताह तक के लिए लगाए गए लॉकडाउन की फिर से सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ समीक्षा की गई। लॉकडाउन के अच्छे प्रभाव और कोरोना संक्रमण में कमी को देखते हुए बिहार में इसे 25 मई से आगे एक और सप्ताह के लिए अर्थात 1 जून तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है।